मध्य प्रदेश के खरगोन में चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृति कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने कावड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा करके क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाओ, नई और नौजवान पीढ़ी को चार दिन साथ लेकर घूमो। अगर धर्म ही करना है तो उनका एक सिस्टम होता है, लेकिन यह क्या विकास हुआ है? इन 15 सालों में हम कितने पिछड़े हैं। इधर मंत्री के बयान से कावड़ यात्रियों में रोष व्यक्त है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रवि जायसवाल ने कहा है कि संस्कृति मंत्री द्वारा कावड़ यात्रियों से माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांगने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कावड़ यात्रा करके क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाओ, नहीं ये नौजवान पीढ़ी को चार दिन के लिए घूमो, तो सब कुछ हो गया, संभव हो गया। अगर धर्म भी करना है तो उसका एक सिस्टम और एक होता है, लेकिन क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में बताओ, 15 साल में हम कितने पिछड़ गए। श्रावण के इस पवित्र माह में जब पूरे देश भर में कावड़ यात्राओं का दौर चरम पर है, भगवान शिव के प्रति आस्था का दौर चरम पर है, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री द्वारा यह बयान कि कावड़ यात्राओं के माध्यम से युवाओं को बरगलाया जा रहा है, तो कावड़ यात्राओं के माध्यम से युवाओं को बरगलाया नहीं जाता है, कावड़ यात्राओं के माध्यम से धर्म के प्रति उन्हें जोड़ा जाता है। और ऐसे समय में जिन्हें मध्य प्रदेश की संस्कृति की रक्षा का दायित्व दिया गया है, ऐसे संस्कृति मंत्री द्वारा यह बयान निश्चित ही निंदनीय है कि युवाओं को धर्म से भटकाने का कार्य किया जा रहा है, तो यह उनके धर्म के प्रति सोच और धर्म हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था दर्शाता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। अगर वो कावड़ यात्रियों से माफ़ी नहीं मांगती हैं तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रवि जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, शिवमिलन धर्म जागरण कावड़ यात्रा समिति संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।